व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर वेल। ये वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा यार, एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोग अगर तैरना सीखना है तो पानी में आप लोगों को कूदना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, योगा के बारे में बस पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग इसको लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे। और अगर आप लोग मेरे से पूछे कि कौन से दो ऐसे जो योगा है जिनको आप लोग लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, जो कौन सी दो ऐसी प्रैक्टिस है, तो मुझे काफी अच्छी लगती है पर्सनली, एक तो कपालभाती और दूसरा है अनुलोम विलोम। अगर थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं वो शीर्षासन को और आप लोग इसका पार्ट बना लीजिएगा, तो अगर ये भी आप लोग 5-5 मिनट अगर आप लोग करते हैं तो जिंदगी में काफी कुछ आप लोगों को अपनी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ये एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों के मन को शांति देगी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आप लोगों के जो फेस पे ग्लो आएगा, आप लोगों की बॉडी फिट रहेगी, अच्छे लंबे समय तक बैठकर आप लोग पढ़ पाएंगे। और एक तरीके से आप लोगों का जो थॉट प्रोसेसर है वो भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि अच्छे तरीके से आप लोग सोच पाएंगे, अच्छे तरीके से प्लान कर पाएंगे, पूरे दिन में आप लोग अपने आप को एक्टिव फील करेंगे। और जब एक्टिव फील करेंगे, अगर किसी काम को आप लोग करेंगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दो तरीके से होती है चीजें। अगर मान लीजिए कोई काम आप लोग करना है, 1 घंटे बैठकर पढ़ाई करनी है, एक है पूरे जोश में बैठे आप लोगों ने पढ़ाई की शानदार तरीके से, बिल्कुल एक एक पॉइंट आप लोगों क्लियर हो गया। एक है कि दूसरा बच्चा और वो भी 1-1 घंटे बैठा, उसने क्या किया यार, अब ये भी पढ़ना है, अच्छा ये भी करना है, मतलब डल किया जा रहा है बस सारे काम। अब सोचिए कि दोनों ने 1-1 घंटा तो दोनों ने यूज किया, अब एक ने तो वहां पर उसको इन्वेस्ट कर दिया और दूसरे ने वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से समझिए कि आप लोग टाइम तो दे रहे हैं, पर लेकिन कितना इफेक्टिव, कितना एक्टिव होकर आप लोग उस टाइम को दे रहे हैं, तो ये चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि ये नहीं कि बस काम किया जा रहा है, बस हाँ पता नहीं है क्या हो रहा है, बस हाँ चल रहा है यार कुछ ना कुछ, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और वो कब होगा, जब आप लोग एक्टिव रहेंगे। और एक्टिव कब रहेंगे, जब आप लोग डेली मॉर्निंग में कम से कम एक्सरसाइज करेंगे, तो थोड़ी बहुत ही करिए लाइफ, चाहे भले ही आप लोग 20 मिनट कीजिए, मैक्सिमम आधा घंटा अगर आप लोग को लगता है इससे फालतू आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो पर कम से कम आधा घंटा आप लोग जरूर दीजिए टाइम। इससे आप लोगों का पूरा जो डे है वो आप लोग एक्टिव रहेगा। यानी कि आधा घंटा अगर आप लोग डेली मॉर्निंग में इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आने वाले जो बचे हुए आप लोगों का जो भी टाइम ड्यूरेशन है पूरे दिन का, जिस भी टाइम आप लोग उठते हैं उसके बाद में, तो पूरे दिन आप लोगों को जो एक्टिव रखेगा ये, उसको आप लोग किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। और सारे काम जो भी आप लोग करेंगे पूरे दिन में, उसको आप लोग इंजॉय भी कर पाएंगे। अब की बार जो है हम लोग 7वें नंबर का योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर 2015 में पहली बार जो था वो योगा डे सेलिब्रेट किया था, जब पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट को लेकर जो डील चल रही थी, वहां पर रिकॉग्नाइज किया था कि योगा को जो लाइफ का पार्ट बनाया जाना चाहिए। और बहुत सारी आज के दिन में मुस्लिम कंट्री भी यहाँ पर योगा को फॉलो कर रही है, क्योंकि एक तरीके से बॉडी का पार्ट है, सांसों को किस तरीके से बाहर छोड़ रहे हैं, किस तरीके से अंदर ले रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में इसको कनेक्ट कर नहीं देखा जा रहा है। ये एक अच्छी बात देखने को आप लोगों को मिल रही है। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, अब की बार का जो योगा डे है इसकी थीम क्या है। मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन में ये पढ़ाई थी शामी, देखता हूँ किस किस को याद है, रिविजन कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि पहचानो कौन, कि हाँ ये कौन पर्सनैलिटी अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इनका नाम है अब्राहम रईसी। ये फिलहाल अभी ईरान के नए प्रेजिडेंट बने, तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, समझेंगे क्या क्या बातें हैं, कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डिटेल में जानेंगे कहां पर जो ईरान लोकेटेड है और अब क्या क्या चीजें हो सकती है, और इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में, तो वो भी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। तो काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में, यानी कितना खाना बर्बाद किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज की जाती है, ये आप लोग को बताना है। पहला बोला गया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दूसरा बोला गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, तीसरा बोला गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा बोला गया नीति आयोग। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ABCFD, जो भी आंसर होगा आप लोग जरूर बताइए, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर जरूर दूंगा। तो आगे चलते हैं, एक एक न्यूज देखते हैं, जिससे आप लोग चीजों को ढंग से एंजॉय कर पाएंगे और चीजों को समझ भी पाएंगे। अभी जो एक काफी इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है, यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर मोटे मोटे तौर पर देखिए, जब से कोरोना वायरस सामने निकल कर आया तब से लगभग 3,88,000 लोगों की जान जा चुकी है। नंबर ऑफ केस कितने हैं या फिर नंबर ऑफ जो रिकवरी कितने, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग अब हमारे बीच में नहीं है उनके बारे में। तो यहां पर कई सारे राज्यों के बारे में अभी रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है कि वो जो राज्य हैं अपना डेटा जो है वो ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर कर्नाटका के बारे में बात करें तो जितनी डेथ हो रही है उसकी 6 गुना कम डेथ जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में बताई गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर यहां पर कर्नाटका के अंदर जो नंबर ऑफ जो डेथ हो रही है उनको काफी घटाकर बताया जा रहा है। और ये हाल ओनली कर्नाटका का नहीं है, ये हाल आप लोगों को कई सारे और भी राज्य का देखने को मिलेगा जहां जहां पर ये बातें निकल कर आई।
यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर यहां पर हम लोग लगा के चले कि 4 लाख लोगों की जान जा चुकी है, तो अगर इसको 6 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डेटा निकल कर आएगा 24 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जो कि डेटा जो है सामने निकल कर नहीं आ रहा है, जिसको काउंट नहीं किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर एक एवरेज लगाकर चलें तो फिर भी यहां पर यह माना जा रहा है कि 15 से 16 फिर 20 लाख तक के करीब लोगों की हो सकता है कि जान चली गई हो कोविड-19 के चलते, पर लेकिन डेटा को ही काउंट नहीं किया गया, तो उसके चलते यहां पर अब डेटा सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि बहुत कम डेटा यहां पर काउंट किए गए जो गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग राज्य गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंटर पर जो डेटा पहुंचा वो भी अप टू द मार्क यहां पर नहीं है। तो इसके चलते ये बार बार अभी न्यूज में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या कंडीशन है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक मिनट के लिए यहां पर आप लोगों को रुकना है और सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे कि इस तरीके से जो चीजें हैं ये की जा रही है हमारी कंट्री में, कि कम डेटा बताया जा रहा है, इसके पीछे आप लोग कोई दो रीजन बताइए जो आप लोगों को लग रहा है, फिर आप लोग आगे सुनिएगा लेक्चर। तो इसके बारे में भी यहां पर एक डायरेक्ट न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। ये बेसिकली बात की जा रही है अभी यहां पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है कि जितने लार्ज स्केल पर लोगों की जान जा रही है तो वो पॉसिबल नहीं है हम लोग सबको एक्स ग्रेटिया दे सके। ये एक लैटिन शब्द है यहां पर, ये जिसका मतलब होता है बाय फेवर, यानी कि किसी को फेवर देना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर यहां पर वॉलेंट्री किसी की हेल्प की जाए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कोविड-19 के जो मरीज हैं जिनकी डेथ हो रही है उनको मान लीजिए बोला जाए कि 5-5 लाख रुपए दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि जितने लोगों की जान गई है उनको 5-5 या फिर 4-4 लाख रुपए देना जो है पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बातें बताई गई है कि ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि ये आप लोग बोले कि हाँ डिजास्टर आया चला गया, सुनामी आई, या फिर वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहां पर कोई बाढ़ आई, इसमें लोग मरते ही जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फाइनेंस के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, ये बात यहां पर बोली गई है। इसीलिए देखने को मिलेगा आप लोगों को यहां पर सबको जिनकी डेथ हुई है उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिए गए, काफी लार्ज स्केल पर यहां पर अभी पटना के अंदर भी बिहार गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे वहां पर केस ही नहीं आ रहे हैं, यानी कि उनके द्वारा कुछ काउंट ही नहीं किया गया, लोगों को पता नहीं चलेगा काउंट नहीं करेंगे तो इससे ये देखने को मिलेगा कि लोगों के अंदर जो है टेंशन भी नहीं होगी कि हाँ मर रहे हैं, पर लेकिन लोगों बहुत सारे यहां पर हमारे बीच में से निकल गए। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिली, कहीं ना कहीं एक तो कंपनसेशन देने की बात थी और दूसरा लोग जो है होशपोश ना हो जाएं, तो इसके चलते डेटा को यहां पर छिपाया गया। तो ये कंडीशन जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यही थी रीजन जब हमारी कंट्री में सेकंड वेव आई, क्योंकि डेटा सामने रखा ही नहीं गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अभी अक्टूबर के महीने में बोला जा रहा है थर्ड वेव भी आ सकती है, जो कि अभी एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डेटा को काउंट करना था उस तरीके से अभी डेटा को काउंट नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत सामने निकलकर यहां पर आ रही है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकलता है, फिलहाल इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, आगे जो भी होगा हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए, आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं यहां पर, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उसको अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो 5 अगस्त 2019 में हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 के अंदर 35A के अंदर चेंज किया गया, एक राज्य का स्पेशल दर्जा हटा लिया गया। तो अभी यहां पर एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यहां पर लगभग 14 जो पार्टी है आज के दिन में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनसे मिलेगी और बात की जा रही है क्या यहां पर मुद्दा अभी सामने निकल कर आएगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखने को मिलेगा। यानी कि अभी यहां पर देखते हैं जब ये मीटिंग होगी उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि हाँ जैसे ये मीटिंग होगी उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि यहां पर जो गुपकर अलायंस है, गुपकर अलायंस यहां पर बनाया गया था कि रिस्टोर करो आप लोग यहां पर जो स्टेट हुड है जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए हम लोग को, एक राज्य चाहिए। आर्टिकल 370 जो है उसको आप लोग फिर से लाइए यहां पर, आर्टिकल 35A लाइए और जो संविधान है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का उसको फिर से इंप्लीमेंट कीजिए, यानी कि पूर्ण वही दर्जा दीजिए जो पहले जम्मू एंड कश्मीर का था, उसके ऊपर काफी सारी बात यहां पर की जा रही है। कांग्रेस भी बात कर रही है यहां पर कि आप लोग जो है कम से कम यहां पर राज्य तो बनाइए, उसको आप लोगों ने पहली बार हमारे देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वरना अब तक क्या था कभी भी राज्य को नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ये सही नहीं है। ये जनता के जो सेंटीमेंट्स हैं उनके साथ में एक खिलवाड़ की तरीके से इसको देखा जाए, पर लेकिन ये देखिए सॉल्यूशन भी तो नहीं निकल रहा था, तो सॉल्यूशन की तरीके से लेकर चले, पर हाँ अब सॉल्यूशन निकल गया है, चलिए हाँ कि एक जम्मू कश्मीर हमारा एक नॉर्मल राज्य हो गया जैसे सारे राज्य होते हैं, पर अब वहां पर एक स्टेटहुड रिस्टोर कर देना चाहिए, तो इसके बारे में अभी बात की जा रही है। अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाया, अभी जो मीटिंग होगी उसके बारे में डिस्कस कर गए, तो आगे देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर एक पूरा एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आप लोग समझ पाएंगे क्या क्या बातें की जा रही है उस एडिटोरियल के बारे में, ठीक है। तो उस एडिटोरियल में बेसिकली यही फोकस किया गया कि कैसे हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं और कैसे यहां पर एक नॉर्मल कंडीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर बात करें यहां पर, यह बात की जा रही है त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को राज्य देखने को मिलेगा,
तो वहां पर कंडीशन काफी खराब देखने को मिली किस चीज को लेकर, यह है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा यहां पर बांग्लादेश के साथ में काफी लार्ज स्केल पर टच करता है, अपनी कंट्री में मिजोरम और आसाम को टच करता है, दो राज्य को। तो त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ अभी यहां पर, एक सेकेंड, त्रिपुरा के अंदर यहां पर अभी क्या हुआ, आप लोग यहां पर लिंचिंग देखने को मिली, यानी कि भीड़ के द्वारा मिलकर यूथ को मार डालना। यहां पर यह लग रहा था कि वो जो यहां पर जानवर है उनको चोरी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। ये जानवर चोरी का जो मुद्दा है ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोग गांव वाले एरिया में देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं, जब पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे कैसे ना कि जैसे घर तो है थोड़ा डिस्टेंस पे है, ठीक है, और थोड़ा चल के आगे जैसे कि ऐसे घेर हो गया, ठीक है, उन्हें होता है कि जहां थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक और जो होता है जहां पर जानवर वगैरह रहे, तो पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो यहां पर जैसे था कि यहां पर पास पास में खेत थे, अब तो यहीं पर ही हमारा घर हो गया, यहीं पर ही घेर हो गया, यानी कि एक जगह हो गई सारी चीजें। पहले ऐसा था कि जैसे कि खेत वगैरह होंगे पास में, यहां पर साइड में पीछे इसके इधर मेन गेट हो गया, तो यहां पर एक छोटा सा ऐसा गेट लगा हुआ था नॉर्मल तरीके की, ताकि यहां से भी निकल कर जा सके। तो यहां पर ऐसे थे हमारे जानवर वगैरह यहां पर रहते थे, ठीक है, तो यहां से चोरी करके ले गए थे एक बार, जो हमारा जो भैंसा होता है घर में, ठीक है, जो बुग्गी वगैरह लेकर चलते हैं, तो उसको चोरी करके ले गए थे। तो यहां पर ये फिर उसको पकड़ा गया, काफी मतलब जद्दोजहद करनी पड़ी, पर हाँ एट द एंड ऑफ द डे पता चल गया कि कौन थे वो, ठीक है। तो इस तरीके से गांव में जानवर वगैरह काफी फ्रीक्वेंटली चोरी होते पाए जाते हैं। कई बार आप लोगों ने, अगर गांव में आप लोग रहते हैं, ये न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। तो मिनी ट्रक में ट्रांसपोर्ट करके ले गए, ये सारी ऐसी हरकतें की जाती है, फिर उनको ले जाकर बेच दिया जाता है या फिर काट पीट दिया जाता है। तो ये कंडीशन कई बार गांव वाले एरिया में काफी माहौल बुरा क्रिएट कर देती है। तो अभी इसी के चलते जब गांव वालों को गुस्सा थे, क्योंकि अगर एक किसान की अगर गाय भैंस चली जाए तो समझिए उसकी पूंजी होती है, ठीक है, तो वो उसका एक तरीके से आप लोग एसेट बोल सकते हैं उसको, जिसके ऊपर काफी कुछ टिका होता है। तो इसके चलते यहां पर काफी बुरी खस्ता हालत हो सकती है एक पूरे परिवार की, किसान की, अगर यहां पर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिले, तो फिर गुस्सा फूटता है, तो फिर ऐसे रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ये इस तरीके से अगर एक्टिविटी चलती रही तो और प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसी के बारे में आगे बात करें, यहां पर पार्क जो है ओपन कर दिए गए हैं, तो आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे काम चलते हैं। ये फिर से अभी यहां पर न्यूज देखने को मिल रही है, कोविड 19 से रिलेटेड जो भी यहां पर फेक जो दवाइयां हैं वो बेची जा रही हैं। तो मैंने आप लोगों को पेंजिया जो 14 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पेंजिया 14 किसका प्रोग्राम था, ये इंटरपोल का प्रोग्राम था। इंटरपोल के द्वारा बोला गया कि आज की डेट में अगर हम लोग देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 लाख से ज्यादा ऐसी वेबसाइट या फिर ऐप वगैरह काम कर रहे हैं, जो फेक दवाइयां बेच रहे हैं, फेक पीपीई किट या फिर सारी ऐसी सब स्टैंडर्ड की दवाइयां बेची जा रही हैं। तो इसके चलते लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो इससे लोग जो हैं उनको पता नहीं है और उसकी वजह से वो उनके चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसी काफी लार्ज स्केल पर एक्टिविटी आप लोगों को देखने को यहां पर मिल जाएगी। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो एक हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा और आप लोगों को अपने आप को अवेयर रखना है। बाकी यहां पर अभी वैक्सीन वगैरह काफी लार्ज स्केल पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी अभी यहां पर जो 18 से लेके और 44 साल के बीच में आते हैं, तो उनके लिए काफी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर योगी जी भी अपनी मुहिम लेकर आ गए, तो जो भी दवाई वगैरह लेनी है वो लेना। यहां पर बात की जा रही है इनोकुलेटेड, तो इसका मतलब होता है कि टीका लगाना। अभी बोला जा रहा है कि 8% के करीब ओनली ऐसे लोग जो जेल के अंदर है उनको टीका लगाए। तो ये न्यूज में कई बार रहता है, हमारी कंट्री में जो नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको NCRB आप लोग बोलते हैं, वो ये डेटा प्रस्तुत करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, कि हमारी कंट्री में कौन कितने लोग जेल में बंद है। तो मैक्सिमम लोग अंडर ट्रायल है, यानी कि अभी ये भी साबित नहीं हुआ कि उन्होंने कोई जुर्म किया है अभी, तो आगे चलकर इसके बारे में पता चल सकता है। पर लेकिन फिलहाल जो है कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि अबोव 45 है, 45 साल के ऊपर है, और जो बिलो 45 है, तो उनको अभी यहां पर ही तो दिल्ली की बात की जा रही है, ये तो हमारी सेंट्रल कैपिटल की बात की जा रही है, बाकी दूसरे राज्य में क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। वहां पर और बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो जेल में जो लोग हैं उनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी पास पास वो रहते हैं वहां पर, एक ही मान लीजिए कोई जेल है उसके अंदर पता चला 15-15 लोग पड़े हुए हैं, तो इससे दिक्कत हो सकती है काफी लार्ज स्केल पर। तो इसीलिए पहले बोला गया था कि या तो आप लोग उनको रिहा कीजिए जो कि यहां पर जेल के अंदर है, अंडर ट्रायल चल रहे हैं, 3-3 साल से पड़े हुए हैं, तो उनको देखिए आप लोग 4-4, 5-5 साल से जो है, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है, पर लेकिन अभी कोई ऐसा कोई खास चेंज नजर नहीं आया, ठीक है। आगे बात करें, यहां पर लिव इन पार्टनर के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा इसके, जो पूछा गया यहां पर बेसिकली हाईकोर्ट के चलते भी अगर जो बात सामने निकल कर आई है। यहां पर अभी क्या किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये डिक्लाइन कर दिया गया इंटरफेयर करने से, एक पर्टिकुलर लोअर कोर्ट का जो केस था जिसमें बोला था कि अगर कोई एक मैरिड जो मैन है उसको 10,000 रुपए पे करने हैं मंथली मेंटेनेंस, किसके लिए, एक वुमेन के लिए, यानी कि जिसके साथ में वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, यानी कि ऑलरेडी शादी हो चुकी है उसकी, फिर भी वो एक औरत के साथ में रह रहा है पैरेलल में, और लगभग यहां पर 2009 से यहां पर ये प्रोसीजर इनका चल रहा था।
तो अभी यहां पर जो कोर्ट के द्वारा बोला गया कि तुम ऑलरेडी उस औरत के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो अब 10,000 रुपए पर मंथ तुमको यहां पर उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से तुम्हारी सेकंड वाइफ हो चुकी है वो। अब यहां पर जो मैन है उसने ये बोला कि यार देखो, उसको पता था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं, ठीक है, उसको भी पता था मैं मैरिड हूं और मुझे एक तरीके से मेरी लाइफ के बारे में पता ही है, तो वो मेरी सहमति, मतलब एक तरीके से हम दोनों की सहमति से हम लोग एक दूसरे के साथ में रह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर आप लोग बाद में बोलो कि यहां पर कंपनसेशन देना है। यानी कि जब उसको पता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं और फिर भी वो मेरे साथ में रह रही है, तो इसमें फिर मेरी गलती क्या है? यानी कि कोर्ट में जो ये पर्टिकुलर पर्सन है वो ये बोल रहा है कि मैंने उससे कुछ छुपाया नहीं है कि हाँ मैं मैरिड नहीं हूं और एक तरीके से मैं उसको धोखा दे रहा हूं। ऑलरेडी उसको मेरा मैरिटल स्टेटस पता है, उसके बाद ही वो मेरे साथ में रह रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? यानी कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है कि मैं उसको कॉम्पनसेशन क्यों दूं यहां पर। अब तो ये इस तरीके से बोला गया। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे यहां पर कि क्या यहां पर सही है कोर्ट या फिर यहां पर जो ये पर्सन सही है, तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? अगर आप लोगों से कोई जनरली पूछा जाए कि इनमें से कौन सही है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग अपनी राय बताइए। आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है 20 अगर लोग चाहते हैं एक साथ में इकट्ठा होकर कि उनको योगा सीखना है, तो यहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया कि मैं उनको योगा टीचर दूंगा, फ्री इंस्ट्रक्टर दूंगा, अगर चाहते हैं कि यहां पर आप लोग कोई भी कि हाँ इस तरीके से चीजें होनी है, ठीक है। तो ये काफी एक अच्छा एक इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं, जो योगा सीखना चाहते हैं 20 इकट्ठे हो जाओ किसी पार्क के अंदर, तो यहां पर उनको एक योगा इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन है वो 28 जून तक यहां पर अभी एक्सटेंड किया गया है, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। बाकी इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक ये 1971 की जो वॉर है उसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, मिड जुलाई में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वॉर क्या थी, इसकी वजह से एक नया बांग्लादेश पैदा हुआ था, बोले बांग्लादेश हुआ है। पहले यहां पर इसको आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते, इसको यहां पर ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे और इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, तो वेस्ट पाकिस्तान आगे चलकर पाकिस्तान बन गया और ईस्ट पाकिस्तान आगे चलकर बांग्लादेश बन गया, पर लेकिन ये अपने आप नहीं बना। 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जद्दोजहद की गई, उसके चलते यहां पर एक नया देश पैदा हुआ। सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करने वाला कौन देश था, आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाना है। यानी कि सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, दूसरे नंबर पर इंडिया ने एक्सेप्ट किया था क्या, एक नया देश बन चुका है, ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आज की डेट में जो लक्षद्वीप है, जैसे कि आप लोग यहां पर देखिए जो लक्षद्वीप है वो किस हाई कोर्ट के अंदर आता है। यानी कि लक्षद्वीप का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, जैसे दिल्ली का हाई कोर्ट है, आजकल में जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो ये केरला हाई कोर्ट के अंदर में आता है। अभी इसको बोला जा रहा है केरला हाई कोर्ट से हटाकर लक्षद्वीप को कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर लेकर आओ, तो ये बात यहां पर चल रही है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, अगर लक्षद्वीप का कोई भी मैटर होगा वो कर्नाटक के अंदर देखा जाएगा, ना कि केरला के अंदर, तो ये मुद्दा भी सामने आ रहा है निकल कर। आप लोगों को ये बताना है कि अंडमान निकोबार जो है वो किस हाई कोर्ट के अंदर आता है, यहां पर आप लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा या फिर तमिलनाडु के अंदर, तो दो में से एक ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है, देखता हूं कौन से आंसर बताता है। यूनियन टेरिटरी वाले चैप्टर में जो मैंने पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाया था, डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर रखी है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे यहां पर बात की जा रही है कि जो टर्टल यानी के जो कछुए हैं वो आसाम के अंदर किस तरीके से सेव किया जाए, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कछुए वगैरह जो है काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो उसको कैसे सेव करना है। तो यहां पर जो मेजर टेंपल्स हैं आसाम के अंदर में उनके द्वारा साइन किया गया एमओयू एनजीओ के साथ में मिलकर, स्टेट के जो यहां पर जू कम जो बोटनिकल गार्डन है यहां पर उनके साथ में मिलकर, कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर इनके द्वारा कोशिश की जा रही है जो कछुए हैं उनको सेव किया जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर एक डॉक्यूमेंट लाया गया 2030 तक का, इनके द्वारा लॉन्च किया गया टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड हेल्प जो अर्थ, ये इसके चलते इनके द्वारा कोशिश की जा रही है जो भी यहां पर ये कछुए हैं इनको सेव किया जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं, पता होना चाहिए। आगे बात करें यहां पर तालिबान के द्वारा बोला गया वो शांति बनाने की कोशिश करेंगे और आईएसआई को अलाउ नहीं करेंगे, पहले तुम ही हरकतें बंद कर दो तो चीजें कुछ सुधरेंगी, यहां पर तुम ही नहीं छोड़ रहे हो, तुम ही लोगों को मार रहे हो। काफी लंबे समय बाद एक खुशी मिली है, मतलब एक खुशी की खबर मिली है यहाँ पर खुशी क्या होगी इसमें, कि चाइना के द्वारा 1 बिलियन के करीब जो वैक्सीन है वो क्रॉस की जा चुकी है। अब मरे कितने हैं वो चाइना ने भी नहीं बताया, कितनों को दवाइयां दी जा रही है वो बता रहे, दिखते सही है गलत है। बाकी रसिया और यूएसए के बीच में जो अभी यहां पर झड़प चल रही थी अभी वो नॉर्मल होती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों के जो अभी इन्वॉय हैं एक दूसरे कंट्री में वापस आ रहे हैं, जो कि काफी बुरी कंडीशन यहां पर क्रिएट हो गई थी, ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब एडिटोरियल देखते हैं, काफी शानदार एडिटोरियल है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। एक तो यहां पर बेसिकली जो हमारी कंट्री में जो फोर्सेस हैं उनके बारे में बात की जा रही है, क्या क्या कंडीशन है आज के डे में। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा ये एडिटोरियल से स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग जैसे कि पहले आप लोग स्कूल में या फिर कॉलेज में जाते थे, आप लोगों को कैसा पसंद आता था? एक तो ड्रेस कोड हो स्कूल के अंदर, ठीक है,
कि हाँ ड्रेस है पर्टिकुलर, ये ड्रेस पहन के जाना है, एक है कि आप लोग कैजुअल में जाना है, तो कौन सा आप लोगों को ज्यादा बेटर लगता था, ए फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, तो कौन सा आप लोगों को ज्यादा एक तरीके से कंफर्टेबल करता था, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, बताइए, फिर आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। ये वाला आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है और किस तरीके से उसको नॉर्मल किया जा सकता है उसके ऊपर आर्टिकल है। ये भी बड़ा प्यारा शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में रसिया किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो रसिया के लिए गाना गाया जा सकता है, दोस्त दोस्त ना रहा। कंडीशन क्या है अभी बताऊंगा, क्या क्या चीजें हैं कि वो इस तरीके का गाना गाया मैंने रसिया के लिए, रसिया बेवफा हो गया है और रसिया जो है रसिया के लिए गाना गाया जा सकता है एक बेवफा है, क्योंकि वो चाइना को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। केरला के अंदर क्या चल रहा है आज के डेट में, हेल्थ को लेकर और इम्प्लॉयमेंट को लेकर खस्ता हालत है, तो उसको एम्पावर करना चाहिए। तो ये तो देखिए पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात की जा रही है, हर एक राज्य के अंदर यही कंडीशन है, पैसा अप टू द मार्क नहीं है, काफी सारे लोग बाहर से रिटर्न आ रहे हैं जैसे केरला के अंदर, तो खासकर तो उसी के चलते, ठीक है। ईरान के बारे में बात की जा रही है तो ये आर्टिकल हम लोग यहां पर देखेंगे, ये फिर से वही आर्टिकल आ गया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कोविड 19 से रिलेटेड जो डेथ है काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है, पर ऑफिशियली जो डेथ आ रही है वो काफी कम निकल कर आ रही है, तो क्या ये सही है, तो इस मुद्दे को यहां पर समझना है काफी ज्यादा, तो यहां पर ये काफी बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि इस तरीके से डेटा को छुपाना ये कितने हद तक सही है, इससे क्या है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा, ये तो वही है कि जब दिक्कत सामने आई आंखें बंद कर लो तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम दिखी नहीं रही, तो प्रॉब्लम है नहीं, तो वो वाली चीज थोड़ी नहीं होती है, तो इसको सोल्यूशन निकालना चाहिए। आज है मंडे, मंडे को जो भी एडिटर को जो लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं और ये वैसे अपनी बेसिकली क्या चल रहा है न्यूज़पेपर में वो बताते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये एक आर्टिकल मुझे इंपॉर्टेंट लगा पर्सनली, अगर देखा जाए, अगर बात करें डिसिप्लिन के बारे में, अगर लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे कि आप लोग यहां पर देखिए, आप लोग इसको चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये इसी के बारे में आर्टिकल है। यहां पर ये बोला जा रहा है कि एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा पुलिस जो है वो फिट है, यानी कि यहां पर जो अपना अच्छे से बिल्कुल एक फिट पुलिस आप लोगों को दिख रही है और एक यहां पर पुलिस आप लोगों को कुछ ऐसी दिख रही है, तो आप लोगों के माइंड में क्या आएगा, एक यहां पर एक डिसिप्लिन का सिंबल माना जाता है जो भी इंसान जो है वो ड्रेस पहनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर आर्मी पर्सन के बारे में बात करें, जैसे कि कल फादर्स डे था तो मैंने आप लोगों से पिक्चर शेयर की थी मेरे फादर की, ठीक है। तो ये जो मेरे फादर साहब हैं अभी फिलहाल कई सारे बच्चों के द्वारा बोले गए सर कहां पर पोस्टेड हैं, अभी फिलहाल ये रिटायर हो चुके हैं और फादर जो है आर्मी से अब एक किसान बन चुके हैं, ठीक है। तो एक आर्मी पर्सन जो है अब एक फार्मर बन चुके हैं, तो अभी फिलहाल ये रिटायर हो चुके हैं, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था। तो ये इनकी जो पापा जी की मतलब मेरे पुरानी पिक्चर है यहाँ पर ये जो मैंने शेयर की थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक आर्मी पर्सन जो है वो जब आर्मी में होता है तो कितना फिट एक तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो। और अगर बात करें यहां पर आज की डेट में, जैसे कि पुलिस आप लोग देखिए, ठीक है, अगर एक पुलिस जो है आप लोग कभी भी आर्मी का पर्सन कोई ऐसा नजर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है, पर हाँ पुलिस में आप लोगों को ऐसे केसेस बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में बातें क्या बताई गई मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ड्रेस और डिसिप्लिन दो डी है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड रहता है, एक तो ये रहता है कि अमीरी गरीबी हट जाती है, कोई एक अच्छा खासा परिवार का पर्सन है उसके पास में मान लीजिए एक दो जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है, उसी को पहन पहनकर काम चला रहा है। एक पर्सन ऐसा है जिसके पास में दुनिया भर का पैसा है और डेली पूरे साल में कपड़े रिपीट नहीं करता है, तो यहां पर एक डिफरेंस आ जाता है। अगर ड्रेस रहेगी तो एक इक्वलिटी बनी रहती है, पहली तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ही है। दूसरी डिसिप्लिन काफी ज्यादा जरूरी है। अभी आर्टिकल क्यों आया यहां पर निकलकर मैं आप लोगों को बताता हूं, बेसिकली है क्या कंडीशन यहां पर यह है कि अभी जो सीबीआई जो है जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के यहां पर जो आज के डेट में डायरेक्टर हैं जिनका नाम है यहां पर सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखिएगा काफी ज्यादा न्यूज में था अभी वो सुबोध कुमार जायसवाल साहब जो साहब के द्वारा जो बोला गया कि कोई भी अगर यहां पर सीबीआई का जो पर्सन आएगा तो फॉर्मल ड्रेस में आएगा, यानी कि एक तरीके से एक शर्ट होनी चाहिए, ट्राउजर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी कैजुअल पहनकर निकल ले, तो वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को एक ड्रेस कोड होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आप लोगों को चलना पड़ेगा, जिसके चलते यहां पर एक डिसिप्लिन आप लोगों को देखने को मिले। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि जो आज की डेट में जो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो शर्ट डाल सकता है, फॉर्मल ट्राउजर डाल सकता है, शूज उसके होने चाहिए, वुमेन जो है वो साड़ी पहन सकती है, सूट पहन सकती है, या फिर फॉर्मल शर्ट और एक ट्राउजर डाल सकती है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से यहां पर एक नॉर्मली एक तरीके से यहां पर इससे क्या होता है एक डेकोरम बना रहता है। होता क्या है अभी फिलहाल काफी सारे लोग टी शर्ट में आ रहे हैं, कभी कोई कुछ पहन के आ रहा है, तो इसके चलते एक डिसिप्लिन खत्म होता है वहां पर। तो अभी यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट करने की बात की गई है और ये यहां पर ही नहीं है ओनली, अगर मैं आप लोगों को बात करूं अभी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, कई सारे कोई प्रिंटेड उल्टी सीधी टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं,
तो अभी डेकोरम बनाने के लिए ऐसा ही एक स्टेप उठाया गया यहां पर भी बिहार के अंदर। बिहार के अंदर ये बोला गया कि मोबाइल फोन आप लोग को यूज नहीं करना है अगर आप लोग जॉब के पास में है। आप लोग सोचिए अगर पुलिस वाला खड़ा हुआ है और मोबाइल फोन पर लगा हुआ है तो बोला गया ड्यूटी पर अगर है तो मोबाइल फोन नहीं लेना चाहिए आप लोगों। तो ये एक डिसिप्लिन जो पर्सन है एक तरीके से पुलिस को जो डिसिप्लिन की तरीके से देखा जाता है तो यहां पर एक तरीके से वो वाली बात निकल कर आती है, इमेज खराब होती है पुलिस की, ये बात यहां पर बोली गई। एक तरीके से एक अलर्टनेस और जो एक तरीके से इफिशियंसी का हॉलमार्क माना जाता है पुलिस को कि कुछ भी हो जाए तो वहां पर पहुंचना है, तो वो वाली देखने को नहीं मिलेगी। तो इनइफिशियंट और यहां पर परफॉर्मेंस प्रॉपर वे में नहीं निकल कर आएगी तो फिर ऐसी कंडीशन नजर आएगी सामने कि हाँ ये सिचुएशन खराब चल रही है। इसी के चलते अगर अभी बात की जाए ऐसे ही कई सारे स्टेप यहाँ पर अलग अलग एरिया में उठाए गए कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक प्रॉपर बॉडी फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर अभी बात की गई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़कर जिसको आप लोग सिख कम्युनिटी बोलते हैं, वो अपनी पगड़ी बांधते हैं, अपना दाढ़ी वगैरह वो अपनी जो उनके रिलीजन के हिसाब से चलती है वो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को सेक्युलर नेचर देखने को मिलेगा। अभी यहां पर ऐसे ही कुछ फंडा चलने लगा था, कई सारे जो पुलिस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे टीका लगाकर आया करते थे, तो बोला गया कोई भी टीका वगैरह लगाकर नहीं आएगा, इससे पता चलता है कि अच्छा आप लोग हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं चलने वाला है, तो जो तिलक लगाकर आया करते थे तो उनको भी यहां पर मना किया गया कि कोई भी तिलक लगाकर नहीं आएगा। तो बिहार पुलिस के अंदर काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिला था, तो बिहार के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी तिलक वगैरह कोई भी रिलीजियस सिंबल यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कई सारी बातें बोलेगी। अभी दिल्ली पुलिस के बारे में अगर बात करें तो वहां पर जो वॉलंटियर थे यहां पर अरविंद केजरीवाल साहब के वो खाकी पहनकर आने लगे, तो उसके चलते ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा चीजें देखी गई फिर कि क्या चल रहा है, इसके चलते दिक्कत रहने लगी कि हाँ जो एक नॉर्मल पर्सन है वो एक पावर लिए बैठा है और वो किसी को भी एक तरीके से कोविड 19 के अगर कोई वॉलेशन कर रहा है तो पकड़कर उसको वापस से उससे मतलब पैसे वसूल रहा है, कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिली, तो उसको चलते भी काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो ये सही नहीं है, एक पुलिस की इमेज खराब हो रही है इससे अगर कोई पुलिस की तरीके से ये काम कर रहा है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसको आप लोग सीआरपीएफ बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है उसके द्वारा अभी यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया कि एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे मैंने बोला ना कि अभी आर्मी में कोई भी आप लोग अनफिट नजर नहीं आएगा, तो पैरामिलिट्री फोर्स में भी आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेगा, कोई अनफिट नजर नहीं आएगा। तो इसके चलते यहां पर एक ट्रिम और फिट पर्सन यहां पर दिखना चाहिए, एक गुड हेल्थ वाला पर्सन दिखना चाहिए। तो ये बात ही बोलेगी यहां पर फोर्स के अंदर में अगर आप लोगों को चाहिए कि यहां पर एक सही तरीके से लेकर चलना है। तो ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं यहां पर ये हमारी कंट्री में ये जो इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं सीआरपीएफ के, इनके द्वारा ये बातें बोली गई कि जब एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला बंदा जो है वेल ड्रेस्ड एक फॉर्मल ड्रेस में जाता है तो फिर आज की डेट में जो फोर्सेज हैं वो एक वेल ड्रेस्ड पैटर्न क्यों नहीं अपना सकती है। तो इसके चलते सेंट्रल स्टेट को यहां पर काम करना चाहिए कि जो भी इसके अंदर जो इंप्लॉय काम करते हैं उनको एक वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि कोई कुछ भी पहन कर आ रहा है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है तो एक डिसिप्लिन का प्रतीक माना जाता है वो वहां पर कि हाँ उसका सोसाइटी के ऊपर काफी इंपैक्ट रहता है, अगर कुछ भी पहनकर वो इंसान चलेगा तो इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उन्हें अल्लू का डायलॉग, इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहां पर आज का जो कार्टून दिखा रहा है यहां पर ये अभी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ना यहां पर ये बोला जा रहा है कि इज इट ए डिजास्टर, क्या एक डिजास्टर है यहां पर, तो ये बोला जा रहा है यहां पर ये बेसिकली मोदी जी को दिखाया जा रहा है यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्म में, ठीक है। यहां पर पूरा एक तरीके से इनका ये गेटअप दिया गया है। कंपनसेशन देने की बात की जा रही है कि कंपनसेशन देखिए यहां पर बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है, ठीक है। और जो लोग जिनकी डेथ हो रही है उनके घर में मान लीजिए कोई विधवा है कोई बुजुर्ग है वो कंपनसेशन लेने आ रहे हैं, तो यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है कि कंपनसेशन जब दिया जाता है कोई डिजास्टर हो तो यहां पर ये पूछने की क्या ये डिजास्टर है, यानी कि कंपनसेशन देने से जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मना किया गया तो उसी के चलते यहां पर ये कार्टून सामने निकल कर आया। तो 40 से 50 शब्द आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं इन चीजों को लेकर, तो एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। एक जो आर्टिकल है यहां पर जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो आप लोगों के सामने निकल कर आएगा वो है ईरान के बारे में। तो ईरान के बारे में हम लोग ये आर्टिकल देखते हैं अभी ईरान के अंदर हुआ क्या है। मैंने अभी बताया कि ईरान के नए अभी प्रेसिडेंट यहां पर चुनकर आए, ठीक है, जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जो ईपीएफओ या फिर सीडीएस के अंदर एग्जाम यूपीएससी में पूछ ले जाते हैं, तो पर्टिकुलर पर्सन अगर ज्यादा न्यूज में होता है तो। अभी यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो ये अभी बनकर यहां पर प्रेसिडेंट आए एक हार्ड लाइनर है क्लर्क की, ठीक है, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये हार्ड लाइनर पर्सन है, यानी कि एक तरीके से रिलीजियस को काफी अच्छे से फॉलो करने वाले पर्सन है। और यहां पर ये जो अतुल्ला खामी जो थे उनके द्वारा भी यहां पर इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता था स्टार्टिंग से ताकि आगे चलकर ये एक प्रेसिडेंट बन सके। हालांकि ये 2017 में जब इलेक्शन हुए थे, याद रखिएगा ईरान के अंदर 4 साल में इलेक्शन होते हैं, 2017 में जब इलेक्शन हुए थे ये हसन रूहानी साहब से हार गए थे। तो हसन रूहानी साहब ने काफी ज्यादा जद्दोजहद की, ईरान न्यूक्लियर डील भी साइन की, बहुत सारा मुद्दा किया, पर लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए।
तो ईरान आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, अपनी कंट्री के साथ में आप लोग किसी भी देश को देखें तो जरूर एक बार कंपेयर कीजिए। तो अपनी कंट्री यहां पर हो गई, यहां पर आप लोग ईरान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ईरान यहां पर देखिए ऊपर हो गया कैस्पियन सी और नीचे हो गया पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ईरान जो है यहां पर ये एक मिडिल ईस्ट में कंट्री है, ईरानियन रियाल यहां पर करेंसी है और तेहरान इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये हो गया तेहरान, ठीक है। आसपास में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हो गया इराक, तुर्की और ये हो गया अर्मेनिया, अजरबैजान। अगर बात करूं जो मैंने रियाल अभी आप लोग यहां पर इसकी करेंसी बोला है तो इस पे भी काफी सारी जद्दोजहद चल रही थी। अभी कुछ दिनों पहले यहां पर जो ईरान की गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहां पर बोला गया कि जो करेंसी है यहां पर वो अभी फिलहाल उसके द्वारा टोमन कर दी गई है। टोमन करेंसी जो है क्योंकि रियाल की जो खस्ता हालत हो गई है इसी के चलते इनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा टोमन को लाया गया। तो 1 टोमन इज इक्वल टू 10,000 रियाल, ठीक है। इसी के साथ में एक है यहां पर ये घेरन, ये घेरन भी एक करेंसी लाई जा रही है दूसरी एक और, जो कि 100 घेरन इज इक्वल टू 1 टोमन। तो टोमन जो है यहां पर ये सबसे बड़ी करेंसी अभी ईरान में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थी। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये करेंसी कहां की है तो फिर कंफ्यूजन आना, तो ये मत बोलना कि क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब ऐसे इजिली क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दी। हालांकि जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि मई और जून और जुलाई का जो करंट अफेयर आप लोगों का आएगा, हो सकता है कि सेपरेट मंथ का भी लेकर आ जाऊं, क्योंकि अभी मैंने अभी जो मई का जो है वो तैयार कर लिया है, जो मई का करंट अफेयर है, ठीक है। अभी आप लोगों को वो पुराना बचा है 2020 का, ठीक है। इसके बाद में मई से लेकर आप लोगों का जिसे स्टार्ट करूंगा, तो मई जून जुलाई ये खत्म होने के बाद में आप लोगों का अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये आप लोगों का अब तक हो चुका है, ठीक है। बाकी का इसके आगे अभी ये जो 3 महीने का कवर होने के बाद में फिर आप लोगों का जून का आएगा। तो मंथली जो कंटिन्यूअस आप लोगों का चल रहा है करंट अफेयर वो तो चलता ही रहेगा। अभी फिलहाल जो आप लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हो सकता है कि मैं इनका अलग अलग लेकर आ जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि न्यूज थोड़ी ज्यादा हो जा रही है। अगर मुझे लगेगा कि अगले महीने का जब बनाऊंगा, अभी मई का मैंने पीपीडी तैयार कर लिया है, ठीक है, अभी जून का पीपीडी तैयार करूंगा। अगर लगा मई और जून का ज्यादा हो गया अलग अलग बना दूंगा इनको, अगर लगेगा ठीक है एक वीडियो के अंदर सही रहेगा तो एक जगह इकट्ठा बना दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, मुझे पता है क्या क्या कवर करना है, जो मैंने प्रॉमिस कर रखा है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। मैंने बोला था कि करंट अफेयर आप लोग महीने के कवर कराऊंगा, तो 16 महीने का आप लोग का प्रीलिम्स तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा इस तरीके से। तो मंथली वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, उनको रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम जब भी आप लोगों को टाइम लगे। सोचिए अगर एक महीने करंट अफेयर आप लोग की लगभग 1 से 1.5 या फिर 2 घंटे की वीडियो के अंदर कवर हो जा रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है, तो ये एक अच्छा तरीका लग रहा है, तो इसको कंटिन्यू रख लेंगे। बाकी मई तक का और जो 3 महीने का बचा हुआ है, ठीक है, उसको और देख लेंगे जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता रहेगा, तो आराम आराम से मैं साइड में उसको भी तैयार कर रहा हूं, क्योंकि टाइम रहता है तो उसी के हिसाब से इतना टाइम मुझे मिलता रहता है उसको टाइम मैं देता रहता हूं, ठीक है। तो ये आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब भी लेकर आऊंगा उसको तो मैं आप लोगों को 1-2 दिन पहले अनाउंस कर दूंगा कि सिंगल वीडियो लेकर आनी है या फिर आप लोगों की एक ही वीडियो में या फिर 2 वीडियो में बनाना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है अभी रिसेंटली यहां पर मिलिट्री, ये पार्लियामेंट, जुडिशरी और प्रेसिडेंसी सारी इन्हीं के हाथ में होने वाली है, तो इसके चलते चीजें क्या बनेगी वो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो एक सुप्रीम लीडर होते हैं प्रेसिडेंट, जो डे टू डे अफेयर को देखते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के। अब यहां पर ये फुल एक लीडर की तरीके से यहां पर देखने को मिलेंगे। जो यहां पर बात करें अगर यहां पर मोहम्मद खतामी ये यहां पर और हसन रूहानी ये कंजर्वेटिव लीडर थे, यानी कि इनके द्वारा बोला गया शांति से मिलकर काम कर लेते हैं ना, यानी कि आज की डेट में अगर बात करें जैसे कि ईरान और यूएसए के बीच में झड़प चल रही थी, झड़प क्या चल रही थी, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर बात चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर डाला गया, तो उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप जो थे डेली न्यूज में रहते थे। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि वो चाहते थे कि यहां पर ईरान को अपने हिसाब से लेकर चला जाए, ईरान न्यूक्लियर डील उनको अच्छी नहीं लग रही थी पहले से ही, उन्होंने बोला था कि ईरान को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा ईरान न्यूक्लियर डील से, तो हमको इससे बाहर निकलना जाना चाहिए। ये बातें उनके द्वारा पहले ही बोल दी गई थी, आज की बात नहीं है पहले की बात है। तो अभी यहां पर जो नए लीडर आए वो इसको कैसे लेकर चलेंगे वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान न्यूक्लियर डील को तो ये भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि इससे पता है कि इनकी कंट्री की जो इकोनॉमिक हालत है वो सुधरेगी, इनकी कंट्री पे सैंक्शन अगर हट जाते हैं तो इनका जो तेल बेचने का जो तरीका है, जो ऑयल ये बेचते हैं वो काफी अच्छे से ये बेच पाएंगे, तो काफी सारे लोगों को उससे फायदा होगा, इनकी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। साउथ कोरिया में अभी यहां पर $1 बिलियन जो इनके रुके हुए हैं वो रिटर्न मिलेंगे, तो इनकी इकोनॉमिक हालत और थोड़ी अच्छी होगी, तो इसके चलते काफी कुछ होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, तो काफी सारे रिफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि करेंसी भी यहां पर डूब चुकी है ईरान की, तो इसके चलते एक नॉर्मल सिचुएशन बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो 2017 में यहां पर इनको हराया गया था, ठीक है, फिर आगे चलकर इनको क्या किया गया, जब ये हार गए तो यहां पर जो अल जो खैमिनी है यहां पर जो सुप्रीम लीडर है उनके द्वारा 2019 में इनको चीफ जस्टिस बना दिया। तो जुडिशरी भी इनके कंट्रोल में है अगर देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से, ठीक है, पार्लियामेंट कंट्रोल में आ गई है, मिलिट्री वैसे कंट्रोल में आ जाएगी, प्रेसिडेंट ये बनी गए, तो पूरी पावर अब इनके हाथ में सिमट गई है यहां पर। ये अगर बात की जाए तो यहां पर काफी ज्यादा
रोज भी ये लोगों के अंदर बोल रहे हैं कि 48% के करीब ओनली वोटिंग यहां पर देखने को मिली, तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि सही नहीं है और 48 में से 62% वोट इनको मिल गई। बाकी की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो है ब्लैंक वोट, जिसने बोले नोटा को वोट दे देना, तो ब्लैंक वोट दूसरे नंबर पर देखने को मिली। तो ये क्या दिखाता है कि लोग जो है वो खुश नहीं थे यहां पर इलेक्शन से, जैसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो उसके चलते आरोप भी लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा कि यूएसए की वजह से हमारे देश में कंडीशन देखने को मिल रही है, इनके द्वारा आरोप लगाए गए और यूएसए ने इनके ऊपर सैंक्शन भी लगा रखे हैं, क्योंकि 1989 के करीब में बहुत सारे जो लोग थे इनके ओपोनेंट वगैरह थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, पॉलिटिकल प्रिजनर बना लिए गए थे। तो ये एक तरीके से आज के डेट में यूएसए के सैंक्शन के अंडर भी आते हैं। हमारी कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात की जाए, तो हमारी कंट्री जो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ईरान के अंदर में, तो उसके चलते हम लोग चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर कनेक्शन हो जाए और भी पाकिस्तान को टैकल यहां पर किया जा सके। पर लेकिन अब यूएस से बाहर निकल गया तो तालिबान पावर में आ जाएगा, तो काफी कुछ तो वैसे ही बर्बाद होने वाला है। तालिबान पाकिस्तान के हिसाब से चलते हैं तो और कंडीशन खराब होने वाली है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को जो सिचुएशन है वो काफी कुछ चेंज आप लोगों को ग्राउंड पर नजर आएगी, जैसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है वैसा आप लोगों को नॉर्मली यहां पर चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात करें इंडिया यहां पर क्यों डेवलप कर रहा था, क्योंकि गवादर जो पोर्ट है यहां पर पड़ोस में वो यहां पर 72 किलोमीटर दूर है ओनली, तो उसको टैकल करने के लिए ताकि चाइना गवादर पोर्ट डेवलप कर रहा है तो इंडिया ने सोचा इसको डेवलप करते हैं। पर लेकिन आज की डेट में ईरान भी कहीं ना कहीं लगभग 20 से 25 साल तक अब चाइना के कब्जे में आ चुके हैं यूएसए की गंदी हरकतों की वजह से, तो ये भी आने वाले टाइम में सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं होने वाली है। तो ये भी एक मुद्दा है, अभी देखते हैं, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर यूएसए ने सैंक्शन लगाए तो अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए चाइना के साथ में इसने कई सारी डील कर डाली आनन फानन में, ठीक है। वो नहीं कहता, आप लोगों ने सुना होगा कभी भी अगर आप लोग दिक्कत में हैं तो कोई भी डिसीजन मत लीजिए, और या फिर खुशी में भी कोई भी आप लोग ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए खुशी खुशी में। जैसे दशरथ ने ना प्रॉमिस कर दिया था कि यहाँ 3 वचन दे दिए केकई को, केकई ने क्या किया, 3 वचन मांगकर कर दिया पूरा बंडाधार। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए ज्यादा खुशी में और ज्यादा गम में जो है सोच समझकर आप लोग काम करना चाहिए। जब मन शांत हो, स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल हो, तभी आप लोग कोई भी रिएक्शन दीजिए, तो वो आप लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाएगा, वरना इसका उल्टा ही खामियाजा मैक्सिमम टाइम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, एक तो बोला जा रहा है होप, आशा और एक प्रॉमिस यहां पर, यानी कि एक तरीके से कोई वादा क्या है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको बुलाया गया सेंटर के द्वारा, तो राइटर बोल रहे हैं कि काफी अच्छी बात है, ये सेंटर स्टेट के रिलेशन में एक नया शुरुआत आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब ये सिग्नल दी जा रही है कि रिवाइव किया जाएगा पॉलिटिकल प्रोसीजर, तो अच्छी बात है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 14th जो पार्टी है वो उनको बुलाया गया है, तो 24 जून को ये मीटिंग होने वाली है, यानी कि आज 21 है तो आज योगा करेंगे, फिर फिट होंगे, फिर जाकर ये मीटिंग करेंगे, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो सारे जो लीडर हैं वो फिट होकर फिर मीटिंग करेंगे शांत स्वभाव के साथ में, ओके। तो यहां पर अभी ये बोला गया है कि यहां पर 2 साल के करीब होने वाले हैं, 5 अगस्त 2019, ठीक है, अभी जुलाई, अभी ये जून में बैठे हैं, जून जुलाई अगस्त, तो लगभग कुछ दिनों बाद ही पूरे 2 साल पूरे हो जाएंगे, जब आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, 35 जो ए है उसको चेंज किया गया, संविधान हटाया गया और एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इसके चलते अभी यहां पर किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है वो समझने वाली बात होगी, क्योंकि स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हट गया और 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तो अभी फिलहाल कश्मीर का जो मुद्दा है वो एक काफी एक आप लोगों को फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी, और उसको देखना पड़ेगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को अंडरमाइन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम पर, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को अभी फिलहाल जो है जेल में भी डाला गया, हर एक जो लीडर थे पॉलिटिकल पार्टी के, तो अभी देखने को मिलेगा। सेंटर क्या लगा था यहां पर कि जो पीडीपी है और जो एनसी है यहां पर, यानी कि जो यहां पर जो ये पर्टिकुलर 2 मेन पार्टी है, और ये लग रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये यहां पर सोल्यूशन ही निकालेंगे कश्मीर का, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए सबको जेल में डाला उठाकर और सीधा सीधा यहां पर आर्टिकल 370 चेंज कर देगा। पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे पर्सनली ये डिसीजन जो है वो अच्छा लगा कि हाँ हमारी कंट्री में एक नया राज्य जुड़ा, वो भी नॉर्मल तरीके से। पर लेकिन जो तरीका था, तरीका वो सही नहीं है, वो एक तरीके से जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए था, जनता से पूछकर वो पैटर्न होना चाहिए था, पर लेकिन वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, वो चीज को सपोर्ट ही नहीं करती है, तो उसके चलते फिर कैसे काम हो पाता। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कब से देश आजाद हुआ, तो लगभग 75 साल पूरे होने वाले हैं, अब तक ये मुद्दा ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो ये एक अच्छा स्टेप बोल सकते हैं, पर लेकिन करने का जो तरीका था वो थोड़ा टेढ़ा यहां पर करना पड़ा। पर अब चलिए जो भी हो गया, अब यहां पर सारी चीजें हो गई ना, कम से कम अब रिस्टोर कर देना चाहिए एक राज्य के तरीके से, और प्रॉपर एक चीफ मिनिस्टर वहां पर होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए आज की डेट में, और वहां पर एक प्रॉपर इंटरनेट को रिस्टोर कर एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए। तो वो सारे मुद्दे अब होने चाहिए, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है,
तो ये सारी चीजें आप स्टोर कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग की अगर कोई राय हो, आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, ओपन है कंप्लीटली, आप लोग जो भी आप लोगों को लगता है, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर, बीजेपी भी अलायंस में थी यहाँ पर पीडीपी के, मिलकर काम कर रहे थे, पर लेकिन फिर आगे चलकर हॉस्टाइल नेचर हो गया, दोनों की बनी नहीं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो पब्लिक की आंखों में दोनों की जो इमेज है वो काफी ज्यादा डाउनग्रेडेड होती नजर आई। आगे चलकर यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थे और कई सारे लीडर थे, उनको 2019 में जेल में भी डाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिले, यानी कि अब तक का जो पैटर्न है आप यहाँ पर जो मिलने जा रहे हैं, तो अब देखते हैं नॉर्मल कैसे रहेगा। यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए के अंदर जो बाइडेन जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, तो इसके चलते अफगानिस्तान से वो बाहर निकल रहे हैं और चाइना को अब कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनका फोकस जो है अफगानिस्तान से हटकर चाइना पे आ गया, क्योंकि चाइना एक ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारे मुद्दे में अब इंडिया को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि एक तो साइड में यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ रहे हैं, तो इससे जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया टच करता है अफगानिस्तान, तो उससे हमको और यहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि तालिबान है और ऊपर से पाकिस्तान है, तो दोनों यहां पर एक साथ में हो जाएंगे, तो और दिक्कत देखने को मिलेगी। तो कैसे लेकर चलना है, चाइना के साथ में ऑलरेडी हमारी जो सिर से सिर भिड़े हुए हैं, ये आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। इंडिया की जो कश्मीर पॉलिसी है उसको बाइडेन ऑलरेडी जो यहां पर क्रिटिसाइज कर चुका है, तो वो हो सकता है कि हमारा साथ भी ना दे अगर कल को चाइना उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो इसलिए अगर यूएसए को साथ में लेकर चल रहे हैं तो यहां पर एक नॉर्मलसी लानी पड़ेगी, वो भी जरूरी है, तो वो भी एक मुद्दा है यहां पर, ठीक है। अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान उसका फायदा वैसे उठाने की कोशिश कर रहा है, जहां भी जाता है अपना जो भी चीजें हैं उसको तो ध्यान में रखता नहीं है, बस इंडिया के बारे में चिल्लाने लगता है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, खुद नहीं देखेगा कि खुद क्या कर रहा है बलूचिस्तान वाले एरिया में, और भी कई सारे जो कंडीशन यहां पर बनी हुई है, ठीक है। अगर कोविड 19 के बारे में बात करें, तो इंडिया ऑलरेडी इमेज अपनी खराब कर चुका है, उसको टैकल करने में हम लोग एक तरीके से नहीं उसको टैकल कर पाए, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया की जो कश्मीर पॉलिसी है वो काफी एक रिजिड पॉलिसी दिखने को मिली थी, तो अब इसके अंदर रिजिडिटी खत्म होनी चाहिए, अब चीजों को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। एक नई अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आए, एक नया सॉल्यूशन निकले, जिसके चलते गुड फेथ रहे और यहां पर ओपन माइंड के साथ में पॉलिटिकल पार्टी आकर काम करे जनता के लिए, ना कि अपने लिए काम करे यहां पर, ठीक है। अभी यहां पर काफी ज्यादा जो करप्शन है उसको रोकने की कोशिश की गई थी, इसके साथ में बात करें कि कैसे जो भी जो छोटी मोटी जो चोरी एक तरीके से होती थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो इनेबिलिट एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, वो नहीं होना चाहिए, अब यहां पर एक प्रॉपर सही माहौल रहना चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पर काम यहां पर करना चाहिए सेंटर को भी मिलकर, ताकि पास्ट में जो भी गलत चीजें हुई हैं उनको सुधारा जा सके, गलतियां की हैं तो सुधारी जा सकती है, थोड़ा ना कि रिपीटेडली उसी में लगे रहो, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिजोल्यूशन आना चाहिए कश्मीर के जो क्वेश्चन है, और इसी के साथ में यहां पर मैनेज करना चाहिए सेंटर, यहां पर ये बोला गया कि क्या रियलिटी में यहां पर ये एक चीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बस अपनी इमेज ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ओनली इमेज ठीक करने की कोशिश कर रही है तो दिक्कत रहेगी, हाँ अगर सुधारा जा रहा है तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। बाकी ये गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में जरूर याद रखिएगा, इसमें यहां पर मुद्दा यह है कि फिर से जम्मू एंड कश्मीर को उसी तरीके से स्टेब्लिश करो जैसे वो पहले था, आर्टिकल 370 लाओ, संविधान लाओ, रिस्टोर कर स्टेटहुड, तो ये दो अलायंस आ गए, पहला था यहां पर 4 अगस्त को, दूसरा था 22 अगस्त को, ठीक है। तो ये गुपकर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, तो अभी ये डिसाइड करेंगे कि कैसे मिलना है, क्या बात करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके बारे में पूरा डिबेट और डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है मुद्दा, आइए अब आगे चलते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों ने देखिए कॉमरेड जो मूवी आई थी, तो एक तरह सहयोगी बोलते हैं, जो दुख में दूसरे का साथ दे छोड़कर न भागे, पर लेकिन रसिया जो है अभी यहां पर हमारा जो कॉमरेड है, जो रसिया हमारा साथी था 1971 की वॉर में, वो अभी यहां पर डाइवर्ट हो गया, यानी कि वो यहां पर वो नहीं कहते कि ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे कि वो चाइना का दिखे कि सपोर्ट कर रहा है खुलेआम, हमको अपोज कर रहा है। अगर मैप में आप लोग देखें तो अपनी कंट्री यहां पर हो गई, ये हो गया चाइना और ये हो गया रसिया और इधर हो गया यूएसए, तो अभी जो पूरा आर्टिकल नॉर्मली रहने वाला है यहां पर ये, तो ये इन चारों के बीच में घूमेगा, तो इसलिए ये चार आप लोग माइंड में रखना। अब चलते हैं आर्टिकल में बातें करते हैं। व्लादिमीर पुतिन साहब के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग जो हैं वो एक रेस्पॉन्सिबल लीडर हैं और दोनों मिलकर अपना जो भी दिक्कत चल रही है उसको सोल्व कर सकते हैं, तीसरे किसी इंसान को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इनके द्वारा डायरेक्ट इंडिकेशन किया गया यूएसए की साइड में, तो यानी कि इनका मतलब यह है कि इंडिया और चाइना मिलकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इंडिया और चाइना मिलकर सॉल्यूशन निकाल पाते तो 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक ये सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि चाइना सॉल्यूशन निकालना चाहता ही नहीं है, और अगर तीसरा कोई कंट्री आता है तो चाइना को थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके चलते इसकी हरकतें देखने को मिलती है। तो रसिया चाइना का हिमायती बनकर इस तरीके के शब्द यहां पर बोल रहे हैं, तो पुतिन की जो एडवाइस थी यहां पर ये इसी के चलते तो ये सही नहीं लगी एक तरीके से, जिस तरीके से उनके द्वारा बातें बोली गई हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली के लिए यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो अगर बीजिंग की जो स्ट्रेटजी चल रही है यानी कि चाइना की, वो क्या रियलिटी में हमारे फेवर में किसी भी तरीके से, तो रसिया तो अपना फायदा साधने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें जिस तरीके से चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो
रसिया एक तरीके से उसके साथ में मिलकर चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि G8 में से रसिया को बाहर निकाल दिया, अब G7 बच गया, वेस्ट वर्ल्ड जो है उसके साथ में मिलकर काम कर ही नहीं है, तो रसिया के पास में ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो इसलिए वो चाइना के गुणगान गा रहा है। पर लेकिन इससे रसिया की इमेज क्या खराब होने वाली है उसका अंदाजा शायद अभी रसिया को नहीं लग रहा है कि किस तरीके से चीजें खराब होगी। अभी यहां पर चाइनीज जो है एक तरीके से वो काफी लार्ज स्केल पर देखें तो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इमेज को। वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से जो ग्लोबल अफेयर है यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी चला है, अफगानिस्तान का मुद्दा हो गया तो इंडिया को अलग कर दिया जाए और एक तरीके से इंपॉर्टेंट बना दिया जाए, यानी कि इंडिया कुछ कर ही ना पाए यहां पर, यानी कि नपुंसक बोल देते हैं कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उस तरीके से इंडिया को उस कैटेगरी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइट वर्ड यूज किए गए राइटर के द्वारा यहां पर कि हाँ एक तरीके से इंडिया की ताकत को खत्म करने की कोशिश करते रहे चाइना हमेशा। पर लेकिन जब इंडिया ने सोचा कि ताकत बढ़ा जाए तो इंडिया ने एक क्वाड ग्रुप बना लिया चाइना को टैगल करने के लिए, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, तो बीजिंग को कंटेन करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन में उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए तो इंडिया के द्वारा यह एक्टिविटी की गई। तो यहां पर पुतिन साहब की जो बातें हैं वो उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो यहां पर बेसिकली एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया को चाइना का एक बड़ा लुक देखना चाहिए, यानी कि लार्जर लुक एट चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का देखना चाहिए। लार्जर लुक क्या देखें यार, ये सारे एरिया में तो अगर ये हमको टैगल करने की कोशिश करें, चाहे अफगानिस्तान में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग यहां पर श्रीलंका में बात कर लीजिए, चाहे म्यांमार में बात कर लीजिए, चाहे नेपाल में बात कर लीजिए, इवन भूटान में, इवन बांग्लादेश में, कहीं पर भी देख लो कि ये हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, तो तुम ये तो बात कम से कम मत ही बोलो, तो तुम्हारे मुंह से जो निकले हुए शब्द जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इंडिया रसिया को कुछ ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है रसिया के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार में है, पर लेकिन मित्र जो है वो दगाबाज हो गया, ठीक है, दगाबाज रे, तो वो हरकतें चल रही है रसिया के भी, क्योंकि रसिया के पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो रसिया जो है वो कंटिन्यू क्रिटिसाइज कर रहा है इंडो पैसिफिक वर्ड को, वो बोलता है कि इंडो पैसिफिक नहीं है यहां पर, ये एशिया पैसिफिक होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर क्वाड को लेकर बोल रहा है कि वो सही नहीं है। तो न्यू दिल्ली और रसिया जो है वो कहीं ना कहीं अलग नजर आएंगे, तो यहां पर बोला जा रहा है कहीं ना कहीं तो रसिया ये भी बोल देता है कि जो क्वाड है यहां पर ये आप लोगों को यहां पर इंडो पैसिफिक बोलना चाहिए, और जो क्वाड है यहां पर जो एशिया पैसिफिक बोलते हैं वो अमेरिका का इनिशिएटिव है चाइना और रसिया को टैकल करने के लिए। तो रसिया कई बार ऐसी भी हरकतें बोलते हैं, यानी कि रसिया जो है वो कंप्लीटली आज के डेट में काम कर रहा है चाइना के हिसाब से। तो रसिया एक तरीके से यहां पर ऐसी एडवाइस जो दे रहे हैं यहां पर ये, तो क्या ये इंडिया के साथ में चाइना की प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है? अगर हम लोग तुम्हारी बात मान ले, चलिए हम लोग यूएसए के साथ में नहीं जाते हैं, हम लोग तुम्हारे साथ में रहते हैं, तो बोलो चाइना को जो ये गंदी हरकतें चल रही हैं, ये एक्साई चीन वाले रीजन में जो यहां पर ये लगभग 1570 किलोमीटर एरिया पर क्लेम किए बैठे हुए हैं, सेंट्रल एरिया में लगभग यहां पर 545 किलोमीटर में, और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश को पूरा ही अपना बोलते हैं यहां पर ये, तो 1325 किलोमीटर का एरिया कवर करके बैठे हुए हैं, तो बोलो उसको यार हमारे साथ में सोल्यूशन कर ले यहां पर इन प्रॉब्लम का, और हमारा जो एरिया है छोड़ दे, तो क्यों नहीं बोल रहे उसको ये, क्यों इस तरीके की बातें तुम्हारे मुंह से निकल कर नहीं आ रही है? तो रसिया जो है वो सही तरीके से यहां पर बात कर ही नहीं रहे। तो जो मिस्टर लावरोव है यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहां पर रसिया के, उनके द्वारा क्वाड को एशियन नेटो बोल दिया, यानी कि रसिया जो है वो कहीं ना कहीं पूरी चाइना की भाषा बोल रहा है आज के डेट में। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब के द्वारा भी बोल दिया गया वर्चुअल मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ में, जब बातें चल रही थी, कि यहां पर कोई भी कंट्री के पास में वीटो नहीं है कि वो हमको बोले कि हम लोगों को क्वाड के साथ में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यानी कि इंडिया ने चाइना और रसिया दोनों के ऊपर कटाक्ष कर दिया, यानी कि ये हम लोग क्वाड के साथ में मिल रहे हैं, तो यहां पर चिड़न हो रही है रसिया को भी कि हम यूएसए के साथ में जा रहे हैं, और यहां पर चिड़न हो रही है यहां पर चाइना को तो हो ही रही है, तो यहां पर इनके द्वारा ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं हमारी कंट्री के खिलाफ में। तो रिसेंटली अभी जो बात करें रसिया और पाकिस्तान के रिलेशन, आप लोगों ने देखे जो रसिया कभी पाकिस्तान को कुछ सप्लाई नहीं करता था, तो उनके रोमांटिक रिलेशन आगे चलते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए और अनइजीनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो खुद तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और बाद में इंडिया को बोल रहे हो तुम ऐसा कर लो। तो रसिया का एटीट्यूड जो चाइना के लिए यहां पर ये रसिया के जो ट्रबल में डालने वाला है रसिया को भी और यहां पर इंडिया को भी, क्योंकि चाइना के लिए आज के में बात करें चाइना रसिया जो है एक छोटा सा एक पिद्दी सा पार्टनर बनता जा रहा है, यानी कि जैसे दूसरी कंट्री एक टाइम पर रसिया यूएसएसआर के टाइम पर एक पावर हुआ करता था, पर लेकिन आज के में चाइना का वो नहीं कि चाइना का एक नीचे सबोर्डिनेट बनता जा रहा है। तो चाइना और इंडिया के बीच में अभी जो गालवान वैली में क्लैश हुआ और हमारे कई सारे जवान जो शहीद हो गए जून के महीने में 2020 में, तो वो मुद्दा आप लोगों ने यहां पर देखा ही है। तो आज की डेट में चाइना और इंडिया जो है उनमें बाउंड्री के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसमें कोई आशा दिख ही नहीं रही है दूर दूर तक भी। अगर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हाँ अलादीन का चिराग घिसा और सोल्यूशन निकल जाए तो कुछ और बात है, पर लेकिन अभी कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो रसिया की बात मानकर क्या हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? रसिया जो है अभी फिलहाल बात करें इंडिया के साथ में कई जगह काम करते हैं, जैसे कि रसिया, इंडिया, चाइना सब चाहते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड न बने, यानी कि अकेले यूएसए की ना चले, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। पर मल्टीपोलर वर्ल्ड की तो आप लोग बात करते हैं बार बार, चाइना भी बात करता है, क्या मल्टीपोलर एशिया की बात नहीं निकलती आप लोगों के मुंह से कि एशिया में भी मल्टीपोलर होना चाहिए, कि चाइना का अकेला दबदबा नहीं होना चाहिए? उसमें रसिया कुछ नहीं बोलता है, उसमें चुप्पी साध लेता है। तो ये वाला मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है।
इसी के साथ में इंडिया का जो बेसिकली कोऑपरेशन है यूएसए के साथ में, उसके चलते यहां पर वो टेररिज्म को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, या फिर चाइना को टैकल करने के लिए क्वाड को लेकर भी कई सारे एरिया में काम करते हैं। मैरीटाइम मालाबार एक्सरसाइज हमारी चलती है जिसमें इंडिया, जापान और आज के दिन में तो ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो रसिया की जो एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की इंडिया और चाइना की, देखिए उस पर तो क्वेश्चन मार्क लग चुका है, तुम कुछ नहीं करने वाले हो, उन्हें तुमसे ना हो पाएगा। अब देखने वाला मुद्दा यहां पर यह है कि यहां पर इंडिया जो है वो किस तरीके से एक बैलेंस बना पाता है अगेंस्ट चाइना, यूएसए के साथ मिलकर या किसी और पावर के साथ मिलकर। इंडिया जो है आज के डेट में रशिया की पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है डिफेंस के फील्ड में ओनली, ठीक है, डिफेंस के फील्ड में काफी लार्ज स्केल पर हम लोग डिपेंडेंट है। पर लेकिन पिछले कुछ टाइम में देखे हम लोगों ने फ्रांस से भी, इसराइल से भी, यूएसए से भी, और अपना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आत्मनिर्भर भारत भी हो गए, तो रशिया से भी काफी कुछ खरीदना हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि उसने पाकिस्तान को बेचना स्टार्ट कर दिया, वही वेपन हमारे पास, वही पाकिस्तान के पास, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए एक नया मुद्दा देखने को मिलता है। फर्स्ट एवर समिट अभी देखने को मिली क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुप है क्वाड की, तो उसमें क्वाड के द्वारा बोला गया चीजों को फॉर्मलाइज किया जाएगा, फंक्शनल स्ट्रेटजी के पैटर्न में इसको लाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क को। तो इसके चलते चाइना को और रूस को मिर्ची लग गई, तो उसके चलते बात की जा रही है। मैरीटाइम में आप लोग देख रहे हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे खासे हैं, फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी मिलकर काम करते हैं। पुतिन के बारे में बात करें तो पुतिन साहब जो है, ठीक है, वो यहां पर जिस तरीके से रशिया को एक तरीके से वो एक पावरफुल कंट्री थी, तो अब अननेसेसरीली यहां पर क्या कर रहे हैं, वो चाइना का फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो थिंक कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी टप बना रहे हैं और अपने लिए भी यहां पर टप बना रहे हैं, जबकि दोनों रशिया इंडिया चाइना एक आरआईसी ग्रुपिंग में है, ब्राजील में, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका है, तो कई सारे एरिया में हम लोग काम करते हैं, G20 में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे काम चलेगा वो समझने वाली बात है। तो रशिया को रियलाइज करना चाहिए यहां पर कि किस तरीके से चीजों को सपोर्ट करना है, ना कि चाइना का एक जूनियर पार्टनर बनकर यहां पर। तो एक तरीके से मॉस्को एक ग्रेट पावर के तरीके से था, पर लेकिन वो अपनी खुद की इमेज को अंडरमाइन कर रहा है। तो आप लोग यहां पर ये बताना चाहिए, चाइना अनडाउटली एक मोस्ट पावरफुल एक्टर है हमारे पड़ोसी देश में, पर लेकिन ये इस एशिया को सेप नहीं दे सकता बिना इंडिया के, यानी कि इंडिया के बिना ये नहीं कि एशिया को चला दे गई। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आप लोगों से डायरेक्ट, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, ओके। अब यहां पर बात करते हैं, आज का ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, तो इसका आंसर क्या है, यानी कि हमारी जो दुनिया में आज के में देखिए जो खाना बर्बाद किया जा रहा है, इसमें अगर आप लोगों से पूछे जाए कि ये किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो इसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि आंसर क्या है यहां पर, ए बी सी एफ डी, तो ये आंसर आप लोग बताइए। तो किस किस के द्वारा आंसर दिया, क्योंकि ये जो PIB आती है नैनो वाली मैगजीन हमारी, उसके अंदर पढ़ा चुका हूं, तो याद रखिएगा यहां पर ये जो है बेसिकली UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। नॉर्मली आप लोग क्या बोलेंगे, फूड के बारे में बात की जा रही है, यार ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज में आप लोगों को डाला जा सकता है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो इसके बारे में थी ये बातें यहां पर, आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, यहां पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ये है स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम। इसी के साथ में लेक्चर कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और योगा डे है तो उसको जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा, और मेरे साथ में भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं @वीर तालियान पर, वहां पर आप लोग अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।